उस पवित्र नदी, उस पवित्र नगरी में ये गंदगी नहीं आनी चाहिए, इसको रोका जाए। मिलके सब लोग चलेंगे तो क्यों नहीं रुक सकता। और जगह जहाँ नदियां नहीं है उनका मलमूत्र भी तो संभाला जाता है, तो यहाँ के एरिया का क्यों नहीं संभाला जा सकता बिना गंगा जी के। तो ये सब लोग मिलके चलेंगे तो संभव है। गुरु जी एक सवाल है आपसे। गुरु जी, जी जी, आज सुबह से देख रहा हूँ मैं, 5 बजे से एक कतार में अनुशासन में लोग बैठे हैं, लाखों का ये कारवा है। हर की पौड़ी को यूं लगा कि आज हर मिल गए। इस प्यार इस समर्पण के लिए सेवादारों के जत्थे के लिए क्या कहेंगे गुरु जी? और आपको आज पावन माह शुरू हो रहा है मस्ताना जी का, जिनकी रूह आप में काम करती है गुरु जी, उनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, इस जत्थे के लिए बताएं। जी वाकई, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है यहाँ भगवान के भक्त होते हैं वही भगवान होता है। तो हकीकत ही है कि सब लोग भक्तजन ऐसे बैठे हैं जिनके अंदर भगवान जी वाकई विद्यमान है और वो जहरा तौर पे हैं। यही इनकी भावना है कि सारी सृष्टि को खुश करना है तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब लोग कार्य कर रहे हैं। और आप सबको भी जन्मदिन की, सारी साध संगत को जन्म महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप कार्य करते रहिए, रुकिए नहीं, सेवादारों लगे रहो। आप रुक जाते हैं बात नहीं बनती। देखिए सेवादार जो लगे हुए हैं, शाबाश, आप भी लग जाएं बेटा। सारे सफाई करो, यहाँ हो गया तो आगे चलिए, ये नगरी सारी साफ करनी है। गंगा जी भी ऋषिकेश तक आप सब सेवादार ध्यान दें, यही नहीं रुकना, अपने सफाई करते चलना आगे तक। जी गुरु जी, एक चीज जानना चाहूंगा, आप जी ने अभी जिक्र किया कि दिल्ली में जी में अभियान हुआ था तो डेंगू के बहुत कमी आई है वहाँ पर, डेंगू के केसेस में। गुरु जी ठीक 1 नवंबर को पिछले साल जयपुर में अभियान हुआ था, वहाँ पर जो गंदगी थी, जो वहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं, उसके बाद वहाँ पर सर्वे भी करवाया गया था आश्रम के द्वारा, और भारत देश की छवि में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी वहाँ पर। और ये हरिद्वार एक पवित्र नगरी है, यहाँ पर भी विदेशी श्रद्धालु आते रहते हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे, विदेशी श्रद्धालु आएंगे, और आज के अभियान के बाद आने वाले श्रद्धालुओं पर किस प्रकार का असर पड़ेगा? बहुत असर, जैसे जयपुर में बोला गया कि लोगों ने बाद में आगे बताया, गुरु जी हमारा सब कुछ ठप हो गया था, विदेशी लोग आना बंद हो गए थे, जैसे ही वो सफाई का महाअभियान शुरू हुआ उसके बाद से वो कहते हमारा कारोबार चल पड़ा, जो गरीब लोग थोड़ा थोड़ा कमाया करते थे, विदेशी आते और विदेशी आगे से बहुत आने लगे। तो ये हमारे देश का ही नाम रोशन होता है। और यहाँ भी धार्मिक नगरी है, बहुत लोग आते हैं तो वो और बढ़ चढ़ के आएंगे जब देखेंगे कि इतनी स्वच्छता है, और भगवान ने चाहा तो जरूर इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। जी बोलिए, माइक दीजिए। जी जी, माइक पे बोले। जिस प्रकार से आपने गंगा को साफ करने का कार्य किया, देश में भ्रष्टाचार बहुत है, इसी प्रकार से क्या लोगों को अपनी तरीके से भ्रष्टाचार साफ करना चाहिए? जी हाँ जी हाँ, भ्रष्टाचार के वहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्पेशल एक हमने बना रखा है, और बहुत पहले से 1980 से ये शुरू हो चुका है, लेकिन अब फॉर्म भरने अभी शुरू किए हैं, तो उसमें फॉर्म आ चुके हैं, अभी आपको बताते हैं। जो लोग रिश्वत नहीं देंगे, लिखित में पर्न किया परिवारों ने, वो है 90,964 फॉर्म भरे जा चुके हैं। और ऑफिसर जो बड़े हाईफाई ऑफिसर हैं तो उनके फॉर्म 1098 कि हम रिश्वत कभी लेंगे ही नहीं जिंदगी में। तो ये चीजें की जा रही है कि स्वच्छता से जो अपने दिल जमीर की आवाज जो सुन के वो फॉर्म भरता है वो कभी रिश्वत नहीं लेता। पूरे देश के लिए लगे हुए हैं, पूरे देश में जगह जगह अभी शुरुआत हुई है कि हर जगह ये फॉर्म भरे जाए। जी जी, आपने आज सफाई अभियान चलाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जी जी भाई, ये गंगा को लेकर इस समय देश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। जी, क्या आपका ये आज का सफाई अभियान आज ही तक सीमित रहेगा या कुछ लॉन्ग टाइम के लिए कोई आपकी ऐसी प्लानिंग है कि गंगा को निरंतर स्वच्छ रखा जा सके, इसके लिए कोई प्लानिंग है, कुछ रूपरेखा तैयार की है? जी जी, आप लोग हमें बताइए कि कहाँ कहाँ इसमें गंदे नाले सीवरेज ये चीज गिरती है, तो हम भी पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ जब भी जरूरत पड़ेगी सफाई के महाअभियान के लिए हम तभी तैयार हैं, सिर्फ आज नहीं, जब भी जरूरत हो। महाराज जी, ये जो आपका सफाई अभियान है, ये इसके बाद दूसरा चरण कब शुरू होगा? ऐसा है कि दूसरा चरण जब भी जरूरत समझेंगे, जब भी लगेगा कि इसकी जरूरत है तभी शुरू कर देंगे। गुरु जी, आज आप पवित्र नगरी में आए हैं और ये आप जो डेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है उसका आपने जो प्रमाण दिया है, तो धार्मिक सद्भावना की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज इसी सर्वधर्म संगम जो सफाई अभियान है, ये सर्वधर्म संगम साबित हो रहा है, इसके बारे में आप सद्भावना के लिए कोई संदेश? जी, हम हमेशा कहते हैं कि कोई धर्म बुरा नहीं है। हम एक शेर बोला करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। कोई धर्म बुरा नहीं होता, धर्मों में लिखा बुरा नहीं है। आपको बुराई करने लग जाए तो वो इंसान बुरा हो सकता है जो बुराई से जुड़ गया, अच्छाई से जुड़ा अच्छा। तो सभी धर्म अच्छे हैं,
बस धर्मों को कोई मान के उस पर अमल कर ले तो कोई कमी नहीं है, धर्मों में खुशियां ही खुशियां। मैंने देखा अभी सुबह से जब से आया हूँ यहाँ पे कि लोग इस देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आए हैं, और सिर्फ इस वजह से वो आए हैं कि आपका हुक्म है, आपके पावन वचन है और वो सफाई कर सके। गुरु जी, जो लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं, मेरी बात हुई संजीव इंसान जी से, उन लोगों का नम्र निवेदन है आपके चरणों में कि क्या ये सफाई अभियान इस देश की सीमा को पार कर विदेशों में भी पहुंच सके? जी, कई जगह पहुंच चुका है, कई जगह विदेशों में भी सफाई महाअभियान हुए हैं और मालिक ने चाहा तो हर जगह होते रहेंगे। गुरु जी, आपने अभी मानवता फैलाएंगे चलाए जा रहे हैं 72 कार्यों के बारे में बात की, और उसमें से एक मात्र छोटा सा कार्य है सफाई अभियान। गुरु जी, इस स्वास्थ्य के युग में कोई अपनी जेब से एक पैसा भी छोड़ना पसंद नहीं करता, और आज सात संगत करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके मानवता भलाई के कार्य से 72 भारत भलाई के कार्य चला रही है, और इतना ही नहीं अपना खून का कतरा कतरा आज 1300 से 1400 ब्लड ट्रू ब्लड पंप के नाम से जाना जाता है, हजारों लोग जीते जी गुर्दा दान का प्रण कर चुके हैं। गुरु जी, ऐसी भावना कहाँ से आती है और क्या मिलता है उनको? ये सारी भावना भगवान की भक्ति से आती है, प्रभु की भक्ति से आती है, और इसमें ऐसी भावना भगवान ही पैदा कर सकते हैं, आदमी के बस की बात नहीं। हम तो उनको राम नाम से, ओम हरि अल्लाह मालिक के नाम से जोड़ देते हैं, आगे लोग जब ऐसा कार्य करते हैं तो भगवान जी उनके कार संवार देते हैं। गुरु जी, मेरा एक सवाल है कि आपने गंगा को साफ करने का एक बहुत पावन बीड़ा उठाया, लेकिन और भी बहुत सारी देश में नदियां हैं, अगर दिल्ली की बात करें तो यमुना जो कि आज मैली हो चुकी है और सरकार करोड़ों हजारों करोड़ रुपए उसको फूंकती है, लेकिन लोगों को जागरूक करने की बात बहुत जरूरत है, तो क्या लगता है कि इसमें कदम उठाने की जरूरत है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने दिल्ली में भी यही कदम उठाया था कि लोग जागरूक हो जाए, काफी लोग जागरूक हुए भी हैं, और ऐसे ही अगर जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, जैसे बोला कि नर्मदा जी का बहुत लोगों ने बोला वहां मध्य प्रदेश में, ऐसे जमुना जी की अभी बोला है, तो साथ में शहरों का करते हैं, तो साथ साथ जैसे जैसे आता जाएगा हम करते जाएंगे और लोगों को जागरूक जरूर करेंगे। जी, मीडिया में खबरें आई कि आप सफाई अभियान धरती पर ही नहीं करते बल्कि उस तरह का सफाई अभियान भी करते हैं जिससे समाज आंदोलित हो। 1300 से 1400 में 1500 से अधिक ऐसे युवक हैं जिन्होंने वेश्याओं से शादी करने का प्रण किया है, इसके पीछे क्या भावनाएं हैं और ये किस तरह की सफाई का अभियान है? गुरु जी, कृपया विचार। जी बिल्कुल, वहाँ आश्रम में ये आह्वान किया जाता है, आज भी आपके न्यूज चैनलों के द्वारा या आप अखबारों के द्वारा हम ये आह्वान करते हैं कि कोई भी लड़की मजबूरी वश वेश्यावृत्ति में या किसी भी तरीके से वेश्यावृत्ति में फंसी है, वो आए, उसे हम बेटी बनाएंगे, उसकी शादी करवाएंगे। हमने 16 शादियां पहले करवा दी, 1500 नौजवान शादी करने को तैयार बैठे हैं, तो आपका बहुत स्वागत है, आप आए, क्योंकि 30-35 साल के बाद आपकी जिंदगी नर्क में हो जाएगी अगर आप नहीं निकलेंगी तो। इसलिए ये नौजवानों के अंदर गजब का जज्बा है, 1505 नौजवान तैयार बैठे हैं वैश्यों से शादी, यहां तक कि अगर वैश्यों के कोई पहले से बच्चा भी है उसको भी अपनाएंगे, जो अपने आप में बेमिसाल नौजवान, तो ये भगवान की कृपा से संभव है। इसमें हमारा तो सिर्फ एक गाइड भगवान हमसे करवाते हैं, करता सब कुछ ओम हरि अल्लाह राम भगवान। बाबा जी, जी जी, आपने ये जो पवित्र अभियान गंगा की सफाई का द्वार में आकर चलाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मिसाल मैंने पहले भी बताया कि पूरे देश में जाएगी, और उसके लिए आपके जो सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में आपके अनुयायी आए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है, पूरे देश में संदेश जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद जताएंगे कि आगे भी आपका अभियान ये पूरे देश में गंगा की सफाई के लिए जारी रहेगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हम तैयार रहेंगे, जब भी यहाँ के लोग हमें इस बारे में बताएंगे कि आप फिर से जरूरत है तो हम फिर से इस अभियान को शुरू कर देंगे। जी, कन्या भ्रूण हत्या वैसे तो कहते हैं कि हमारे धर्मों में लिखा है गौ हत्या ही महापाप है, तो कन्या हत्या तो महापाप का भी बाप है, इसलिए भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। और हमने वहां पे आश्रम में शाही बेटियां बसेरा बनाया, हमारे पास 22 बच्चियां हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं CBSE बोर्ड में, और उनके माँ बाप का नाम हमारा नाम है उनके साथ। तो उनमें से आपको बड़ी बात बताएं कि उन बच्चियों को मार देना था, उनमें से जो बड़ी बच्ची है उसने 10th के एग्जाम में टॉपर 10 में आई है CBSE बोर्ड में, और नेशनल में वो गन शूटिंग की गोल्ड मेडलिस्ट, यानी अपने आप में वो नंबर 1 है, पूरी इंडिया की नंबर 1 लड़की है। जरा सोचिए अगर उसे मार देते तो कितना देश को नुकसान और कितना महापाप होता। तो इस तरह वहां 22 बच्चियां हमारे पास है, हम कहते हैं कि अगर आप शादी नहीं कर सकते, आप गरीब हैं, आपसे नहीं पढ़ेंगी या अनाथ है कोई बच्ची, तो हम उसे बनाएंगे, अपना नाम देंगे, और वहां पे ऐसा हो रहा है 45 के करीब लड़के हैं ऐसे जिनके माँ बाप नहीं है, और 22 लड़कियां जिनको मार देना था जो हमारे पास है।
तो उनके एसी रूम्स हैं, सब कुछ उनको वहां साथ संगत उन्हें बच्चियों की तरह बहन की तरह मानती है, और सीबीएसई बोर्ड में या इंटरनेशनल स्कूलों में वो बच्चे पढ़ रहे हैं। गुरु जी, काले धन को लेकर हमारे डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कोई आह्वान किया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहें? हाँ जी, वो आह्वान किया गया है। हमने ये बोला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय राष्ट्रपति महोदय एक ऐसा फंड बना दें जिसमें सिर्फ काला धन लोग स्वेच्छा से जमा कर सके। हमें लगा जबरदस्ती की बजाय अगर ऐसा कोई वो फंड एक बार बना के देख लें, हमें लगता नहीं कि हम आह्वान करेंगे और लोग उसमें अगर पैसा जमा नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, और वो भी एक जरिया बन जाएगा ताकि ये काला धन देश से या विदेश से बाहर आ सके। बाबा जी, मैं यहाँ प्रेस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी, आपका ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा जी। हम प्रेस क्लब की ओर से आपसे आग्रह करेंगे कि आप कभी हमारे बीच आए और एक पर्टिकुलर प्रोग्राम केवल प्रेस से मिलिए हम आयोजित करना चाहेंगे आपका, और आप आए, हमें समय दीजिए, अतिथि के रूप में आप हमारे बीच आए। जी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, समय हम बात कर लेंगे अगर आप समय दें तो। जी 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 जी, जरूर आप समय जैसे भी आप उसमें सेटिंग कर लेते हैं, आप चाहेंगे तो जरूर आएंगे, जरूर 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 जी जरूर, स्वागत आप सबका, इतना सहयोग दिया, सहयोग दे रहे हैं आप लोग। गुरु जी, मेरे आपसे कोई सवाल आपकी इजाजत के बिना नहीं पूछा जाए? नहीं नहीं नहीं, जो मर्जी पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो चाहेंगे, हमें ऐसा कुछ ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग पूछे जैसा मर्जी पूछे, हमारा तो फकीर का फर्ज, टीचर से अगर कोई सवाल नहीं पूछेगा तो पढ़ाएगा क्या? जी जी जी, जरूर 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 जरूर, ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने ही करते हैं। जी 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 जी, ऐसी कोई बात ही नहीं जी। गुरु जी, आज अगर देखा जाए तो नौजवान पीढ़ी हमारे देश की नींव है, लेकिन नशे की तरह बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल कि आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं कुरीतियों ने अभी भी जो है डेरा जमा रखा है, चाहे वो विधवा विवाह की बात हो या फिर जाति प्रथा हो या फिर गोरा कार्य की बात हो, तो उसको मुक्ति उसके उत्थान के लिए आप किस तरह से कदम उठा रहे हैं? यहाँ तक आपने बोला कि दहेज के बारे में, तो हमने वहां पे ये आह्वान किया है 72 कार्यों में, उसके लगभग हमारे पास जो फार्म आपको बोला था कि हम फार्म भर रहे हैं, तो उसमें दहेज नहीं लेंगे, ऐसे फार्म 84,291 परिवारों ने भर दिए हैं कि हम फार्म भरे हैं कि कभी जिंदगी में कोई दहेज नहीं मांगेंगे। और हमने ये जरूर बोला है कि अगर बेटा आपके घर में पैदा होता है तो वो तो आपका खून है, बेटी पानी नहीं है, तो बेटी के नाम आप बैंक में उसके नाम पे जरूर आप दें, क्योंकि उसने भी उसी माँ बाप के घर में जन्म लिया है। दहेज मत दें, कोई मांगता उन बच्चों को कुछ ना, पर अपनी बेटी को तो हर किसी को फर्ज बनता है। दहेज के नाम पे कहीं ये ना हो कि बेटी को भी कुछ ना दें, नहीं ये सही नहीं। दहेज का मतलब कि जो मांगते लोभी लालची उन परिवारों को कुछ ना दिया जाए। और दूसरा आपने विधवा विवाह जी, विधवा विवाह हमने काफी करवा दिए, जिनमें समेत बच्चे ऐसा विधवाएं थी और जिनकी शादियां हो चुकी हैं, और आगे भी यही योजना है कि यहाँ भी कोई मिलेगा। फर्स्ट है कि जो आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर है, जिनका किसी भी तरह से सहारा नहीं, और यहाँ ये कुरीति है कि विधवा को माथे लग गई तो बुरा, वो दिख गई तो बुरा, तो उनकी शादियां पहले करवाई जाएंगी। एक और मेरा सवाल था कि जाति प्रथा आज भी है, नीच जाति और ऊंच जाति, उनमें आपस में कन्या विवाह या ऐसा नहीं होता कि ऊंची जाति का जो परिवार होता है वो निचली जाति में कन्या को नहीं देता, जबकि वो उस ऊंची जाति की कन्या जो है नीची जाति के लड़के से प्रेम भी करती है, तो उसको उठाने के लिए, उस लोगों को जागरूक करने के लिए डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कहते हैं? डेरा सच्चा सौदा में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ ऐसी शादियाँ आम होती है, वहां कोई रोक टोक नहीं है, कि क्योंकि सभी धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये सभी धर्मों में लिखा है, हमारे पवित्र वेदों में भी जो वर्ण बने हैं वो कर्मों के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं है, कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा शूद्र वैश्य या पंडित आपका नाम रखा जाता है, क्षत्रिय। ये नहीं है कि जन्म से ही ऐसा कोई होता है, कोई भी मांस हड्डियों का जानवरों के मरे हुओं का काम करेगा तो वो शूद्र कहलाएगा, चाहे वो जन्म कई क्षत्रिय के घर भी क्यों ना हुआ हो। तो इसलिए हमारे वेदों में भी कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक ही माना गया है, सभी धर्मों में एक माना गया है, हम इसी एकता को, इसी धर्म को जगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जी। गुरु जी, पड़ोस के जनपद सहारनपुर से आपके इस महाअभियान की कवरेज करने के लिए आए हैं। जी जी जी, स्वागत आपका। आपसे पूछना चाहते हैं कि जनपद सहारनपुर में ये अभियान कब चला जाएगा? जी अभी तो नहीं सोचा, लेकिन करेंगे जरूर, भगवान ने चाहा तो जरूर, जब भी साथ संगत और वहां के लोग ऐसा चाहेंगे। कई जगहों से अभी हमारे पास आ चुका है कि गुरुजी हमारे यहाँ कीजिए हरियाणा में, तो अभी वहां भी करेंगे तो यहाँ भी
जैसे जैसे वो टाइम आता जाएगा जरूर करेंगे जी, जरूर। हो गया जी, हाँ जी। किन्नर समाज के लिए आश्रम में उनका नाम दिया गया है सुखदुआ समाज, जिनको हिंजड़ा, खुसरा या किन्नर कहा जाता है, वहां ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, उनको हमने नाम दिया है सुखदुआ समाज, समाज के लिए जो सुख की दुआ करते हैं। और उनका पूरा इलाज करवाया, HIV पॉजिटिव कई आते हैं और उनका पूरा इलाज फ्री में करवाया जा रहा है और उनका पूरा साथ दिया जा रहा है हर जगह। और उनको ये भी कहा, उनके छोटे छोटे जो बच्चे उनको पढ़ाया जा रहा है। तो और बाकी ये आगे में ये भी योजनाएं हैं कि अगर वो रहना चाहे तो उनके लिए मकान वगैरह भी बनाए जाए, साथ में अगर सरकार मदद करती है। बाबा जी, जिस तरह से गंगा में आश्रमों के नाले जा रहे हैं, इस बारे में आप कहते हैं जी, गंगा में जो आश्रम, बड़े बड़े आश्रम है, उनके नाले, सीवेज की जो पाइप है वो गंगा में छोड़े जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा हम तो चाहे कोई भी कहीं से भी कुछ गिर रहा है गंगा में गंदगी, पुरजोर ये अपील करते हैं कि उस पवित्र नदी जिसमें लोग पवित्रता के लिए नहाने आते हैं, उनको वहां गंदगी ना मिले, बल्कि उसको पूरा स्वच्छ रखा जाए, तभी वो हमें और ज्यादा स्वच्छता देगी, तभी हमें और ज्यादा स्वस्थता देगी जी। तो सेवादारों शाबाश, हिम्मत से कीजिए कार्य। और एक शादी वाले परिवार आए हैं, आश्रम में शादियां होती है जो दहेज नहीं लेते, उनको कहा जाता है ना लो, ब्रह्म विवाह, हिंदू धर्म में ब्रह्म विवाह होता है कि आपस में दोनों परिवार सहमत है, लिखित होता है कानूनी तौर पे। तो आज एक परिवार ऐसा है शादी वाला, और ये दीन दुखी मध्य बैंक में 7,770 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। ये बैंक में खाता है, किसी का ऑपरेशन करवाना, किसी का साथ संगत का ही खाता उसमें जमा। और मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 4 और शरीर दान का 4 मेंबर पर्ण करने, मरणोपरांत दोनों दान महादान आशीर्वाद आशीर्वाद। और आप देखिए सामने वो बच्चे हैं, लड़के का नाम है स्वपनदीप इंसा, पुत्र भरगोर सिंह इंसा जी का, निवासी खन्ना, जिला लुधियाना पंजाब। लड़की का नाम सीमा इंसा, पुत्री सतपाल इंसा जी की, निवासी ये भी खन्ना, जिला लुधियाना पंजाब। हाँ जी, ये सफाई अभियान, साथ में अपने झाड़ू है जी। तो आप एक दूसरे के हाथ डालिए नारा लगा के। बेटा एक शादी हो रही है सफाई महाअभियान में, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और दोनों शासनों की म्युनिसिपल फोर्स विंग के मेंबर है, आशीर्वाद। हाँ हाँ डालिए बेटा नारा लगा के डालिए, आप ताली मार दीजिए सत्संग जी जो खड़े हैं, डाले हाथ आशीर्वाद, आप भी डाले भाई हाथ डाले बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। और यहीं से लड़की को विदा किया जाता है, आगे मेहमान नवाजी जैसी मर्जी करे, वो अपना रीत है। तो शादी हो चुकी है हमारी तरफ से सारा सारी रीत रहा, और ये शादी के बाद भी अपने सफाई अभियान में जुट गए हैं। ये है इनका जज्बा, काबिले तारीफ। शादी के दिन लोग शराब नशे करते हैं, होड़दंड मचाते हैं, और ये नौजवान देखिए शादी के दिन आंखें दान का फॉर्म भरा है, मरणोपरांत शरीर दान का फॉर्म भरा, बेमिसाल बेमिसाल, शाबाश आशीर्वाद बेटा शाबाश। हाँ लग दी ये सास संगत जी, देखिए वो शादी करवा के लग गया, और आपकी तो कब की हुई है या होने वाली होगी कि लग जाइए, आप क्यों रुके हुए हैं? चलिए शाबाश, रुको ना सेवादार, आप यहीं खड़े हैं तब से, ये तो साफ हो गया होगा, इतनी देर अगर लगाओगे तो फिर कैसे बात बनेगी। चलिए आगे आगे, बहुत नगरी है, सारा साफ करना है, जो मानेंगे सुख उसी को है, मर्जी आपकी। फिर मत कहना जी गए तो थे, मिला तो कुछ नहीं, अगर कुछ हासिल करना है तो सेवा करो। नारा मंजूर है, सब कुछ मंजूर है आपका, सेवा करते ही मंजूर है, भगवान जी देख रहे हैं। हाँ ऐसे बहुत समझदार है सेवादार, चलिए बेटा चलिए सेवा कीजिए, शाबाश शाबाश शाबाश। जी यहाँ पे जब भी यहाँ के लोग अनुयायी वहां जाते थे तो बोलते थे गुरु जी गंगा में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है, तो इस प्रदूषण को किसी तरह से दूर किया जाए। तो फिर सबने मिलकर एक योजना बनाई, यहाँ सफाई का महाअभियान
हो पृथ्वी साहब मिटे रोग अभिशाप शुरू किया जाए, तो उसी के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक पूरी गंगा जी और दोनों नगरी को साफ किया जाएगा। लाखों लोग हैं, क्योंकि कोई गिनती हमारे पास अभी पूर्णतः नहीं आई। यहाँ जितने लोग हैं रास्तों में गंगा जी के हैं, ऋषिकेश में हैं, अभी हम वहां शुरुआत करवा के आए हैं। और टाइम कितना लगेगा, पहले हमने देखा दिल्ली 1.5-2 दिन में साफ हो गई थी, और ये जगह हमें लगता नहीं शाम तक साफ हो जाएगी। इस बारे में हमें ख्याल में नहीं है कि कितना पैसा गंगा जी की सफाई के लिए आता है। आपने जैसे बोला कि आता है करोड़ों लाखों, तो वो कहाँ जाता है ये आपकी निगाह में है बेटा। आप लोग ज्यादा जानते हैं कि हम तो फकीर हैं, राम नाम वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने किसी से कोई पैसा नहीं लेना, लेकिन इसको इस तरह से साफ कर देंगे, उसके बाद आप देखिए पैसे से साफ क्यों नहीं हो सकता। अगर बिना पैसे के ऐसे साफ हो सकता है जज्बे से, तो पैसे से तो लोग भागे फिरते, क्यों नहीं साफ करें। बस करवाने वाला चाहिए। अभी फाइनल नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से लोग वहां के मांग रहे हैं तो जरूर। इसके लिए हम लोगों के अंदर एक भावना पैदा करते हैं, भगवान की भावना, भगवान के नाम की भावना, जिसकी वजह से लोग भागे चले आते हैं। और हमारा जो कार्य है वो इंसानियत के लिए है, समाज के भलाई के लिए है। उसके बदले में हम किसी से कुछ लेते नहीं, कोई पैसा इकट्ठा करने नहीं आते। और जो लोग यहाँ सेवा करके जाते हैं वो खाली नहीं रहते, भगवान उन्हें किसी न किसी रूप में फल जरूर दे देते हैं। देश में क्या हो रहा है आपने जैसे बताया वो सब हो ही रहा है, लेकिन गंगा जी को नजरअंदाज किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी वो पवित्र नदी है, वो पवित्र नगरियां हैं, जिनको आदिकाल से एक धर्म का बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो हम चाहेंगे कि इसका भी पूरा ऊंचा स्थान हो हमारे देश में, ताकि जो भी विदेशों से भी लोग आए वो और श्रद्धा से भर जाए। जी जी, सफाई अभियान मिलके यही कि ये पवित्र नगरियां हैं ऋषिकेश जी और हरिद्वार जी और ये गंगा जी, कि इनका हमें बताया गया कि बहुत गंदगी, बहुत कचरा है, तो बस सात संगत से पूछा और सब लोग चल पड़े कि क्यों ना इसको साफ कर दिया जाए, बिल्कुल कचरा साफ हो, ताकि लोगों की पवित्रता को ठेस ना लगे। जी हाँ जी हाँ, भ्रष्टाचार के लिए वहाँ पे फार्म भरे जा रहे हैं, समीक्षा से लोग लाखों की तादाद में फार्म भर चुके हैं कि हम कभी भी रिश्वत नहीं देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और हम समीक्षा से ही लोगों से छुड़वाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें सभी धर्मों का ज्ञान देके। जी जी, लाइन माइक नहीं भाई, आप माइक पास ना रख। काला धन को लेकर के जिस तरह से एक मुहिम बाबा रामदेव जी ने भी छेड़ी थी और लोगों ने भी छेड़ी थी, क्या डेरा सच्चा सौदा जो है काले धन को वापसी लेकर के लिए कुछ मुहिम चलाएगा या कुछ इस तरह से? अभी हमने इसका जवाब दिया था कि हम माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये जरूर प्रार्थना करते हैं कि एक ऐसा फंड बनाया जाए, बना के तो देखें कि जिसमें लोग स्वेच्छा से अपने काले धन को जमा करें, बाद में कोई सख्त कानून बना दिया जाए, एक बार ये जरूर बना देना चाहिए, ताकि लोग जो स्वेच्छा से अपने देश में कौन सा काला धन कम बढ़ा है, बाहर के धन की तो चर्चा होती है, देश में क्या काला धन नहीं, कि वो सारा धन उसमें लोग जमा करवा सके अपने स्वेच्छा से, कुछ ऐसा किया जाए। बाकी हम फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से और इसी तरह के कि वो दीन दुखियों की मदद में या जरूरतमंद की सहायता में उस पैसे को लगाए। जी 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 जी, आराम से आप थोड़ा आराम से धक्का ना करो। जी बोलिए। बस ये सफाई का महाअभियान और समाज में जितनी भी नशा है, मांसाहार की प्रवृत्ति है, जितनी भी बुराइयां हैं उनको छुड़ाने के लिए सच्चे सौदा के सब मुरीद आगे आ रहे हैं।
हमने लोगों को यही बोला है जितने भी यहाँ के नागरिक हैं कि आपको पवित्रता और आपको सम्मान के दृष्टिकोण से इसलिए देखा जाता है क्योंकि यहाँ गंगा जी हैं और हरिद्वार नगरी है, तो आप ये मत सोचिए कि आप में अलग से कोई गुण है, बल्कि इस वजह से आपको बहुत लोग सत्कार देते हैं, इज्जत देते हैं, तो आपका भी फर्ज है जिस नगरी, जिस नदी गंगा जी की वजह से आपको सत्कार मिलता है उसको स्वच्छ रखें, जैसे आप अपनी रसोई में गंदगी क्यों नहीं डालते, जैसे उसको साफ रखें, जैसे आप अपने आंगन को साफ रखते हैं उसी तरह आप अपने घर के थोड़ा सा एरिया बाहर को भी साफ रखें, नदी नालों में ऐसी चीज गंदगी कभी ना छोड़ें, और बाकी आप चलते चलते कोई पॉलीथीन है या ये जो छिलके हैं या पान वगैरह थूकते हैं या वैसे थूकना, ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गंदी आदत है और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी नशा मुक्ति के लिए वहां पे एक मेथ्रो मेडिटेशन कैंप लगाए जाते हैं जिसमें आज तक करोड़ों लोग नशा छोड़ गए हैं। 80 यानी 18 ऑर्फिन फोर्फिन के इंजेक्शन लगाने वाले 7 दिन गुरुमंत्र वो नाम कलमा या ध्यान की विधि से नशा छोड़ जाते हैं। जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल है वहां भी उनको फ्री में इलाज करवाया जाता है। हम अपने तरीके से जैसा आपको पहले बोला कि हम चले जा रहे हैं, मीडिया के लोग हमारा साथ देते भी हैं और जगह जगह पे साथ आते हैं, जैसे आप लोग आए हुए हैं हर जगह पे ऐसा होता है, और हम यही चाहेंगे कि मीडिया चौथा स्तंभ है और आश्रम की तरफ से जो खूनदान है या और सहायता जो भी आश्रम की तरफ से की जाती है उनमें जो शहीद हो जाते हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फौजी है, आमजन है, चाहे पत्रकार समाज से है, तो उनकी पूरी मदद की जाती है, खूनदान उनको फ्री है, पूरी सेना को, पत्रकार समाज को, तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनको दूर करें। जी मेरा आशीर्वाद, तो सबको बहुत आशीर्वाद जी, बहुत स्वागत, और साथ संगत हिम्मत से लग जाए बेटा, लगे रहें, बहुत आशीर्वाद, बाद में आपको प्रसाद देंगे, यही नहीं रुकना, इसको बिल्कुल चमका दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, देखिए सामने भी कचरा है, वो साथ संगत वहां पहुंच गई है, जो महादेव जी की मूर्ति है वहां पे भी बहुत उसके पीछे कचरा नजर आ रहा है, जो पता नहीं क्या चीज है, तो जहां भी कचरा आपको लगे उसे साफ कर दीजिए तेजी से। कुछ लोग हैं यही खड़े हैं, ज्यादातर चले गए हैं, ये सफाई करके आप चलिए, रुकिए नहीं, बिल्कुल साफ कर दें और फिर बढ़ते चले कदम, रुकने नहीं चाहिए कदम, चलिए शाबाश। तो फिलहाल आप देख रहे थे हरिद्वार से लाए बाबा राम रहीम जी, जो सफाई अभियान है इस पर तमाम बातें उन्होंने कही है, आखिरकार कितना जरूरी है गंगा की सफाई होना और स्वच्छ रहना। आपको बताना चाहेंगे कि सामाजिक कार्यों में लगे डेरा सच्चा सौदा ने आज अपनी नई मुहिम का शुभारंभ किया है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम जी ने गंगा की सफाई महाअभियान का ऐलान किया है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक।